नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। भाई हरियाणा कांग्रेस के प्रशांत जी चौटाला हमारे मध्य उपस्थित है। यहाँ पहुंचने पर पार्टी के वरिष्ठ साथी हमारे वार्ड नंबर 41 से पूर्व पार्षद दीपक चौधरी ने आज बल्लभगढ़ शहर की अग्रवाल धर्मशाला में जेजेपी पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की और बल्लभगढ़ शहर के लोगों को संबोधित किया और बताया कि आगे आने वाला वक्त जेजेपी का है। इस मौके पर जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और पगड़ी भेंट कर उप मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार किया। वहीं इस मौके पर इतनी भीड़ थी कि अग्रवाल धर्मशाला भी छोटी पड़ गई। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बल्लभगढ़ के वासियों के लिए लाइब्रेरी बनवाने की घोषणा की, साथ ही साथ बताया कि जेजेपी पार्टी ने सरकार में रहते हुए जितने एक्शन और पॉलिसीज लिए उनका लाभ आम जनता तक पहुंचा है और आगे भी जनता के विकास के लिए जेजेपी समर्पित रहेगी। और साथ ही साथ बताया कि हरियाणा प्रदेश में पंचायत चुनाव भी जल्द होने वाले हैं। और पिछले 3 सालों से हरियाणा सरकार ने काम किया है। आज हम जन विश्वास है सरकार के गठबंधन पर कि हमने जितनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी, जितने एक्शन लिए हैं, चाहे वो करप्ट लोगों के अगेंस्ट हो, उसका लाभ आम जनता को इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिला। चाहे चुनाव की नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दी है कि 30 सितंबर से पहले पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि एंड ऑफ अगस्त से लेके और मिड सितंबर तक किसी भी दिन पंचायत चुनाव हरियाणा प्रदेश में हो सके। जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में, उन सब को हमने पहले ही क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने का काम किया है और आगे भी जैसे जैसे जो जो सिग्नेटरी थे जिनने एलिवेटेड बिल्स बनाए, एलिवेटेड बिल्स को मंजूरियाँ दी और जिनके ऑफिशियल टाइम में ये हुआ, उनसे ही रिकवरी करी जाएगी। अभी पीछे हमारे करनाल या कुरुक्षेत्र की बात है जहाँ पर एक अधिकारी ने 4 करोड़ रुपया ओवर बिलिंग कर रखे, हमने उसकी पेंशन तक अटैच कर दी कि 100% पेंशन जब तक 4 करोड़ की रिकवरी नहीं होगी वो देने का काम करेगा सरकार को। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो ये इन जॉब है, उनको तो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, वो रिटायर्ड अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, उनसे भी मैंने परसों बैठक रखी है इंडस्ट्री के भी पोल्यूशन के लोगों के साथ भी, एक बार ही उनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि जो समय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है बायोमास और पीएनजी के ऊपर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में रेडली अवेलेबल नहीं है और जिस तरह के जेनसेट्स की मांग है वो आते हैं विदेश से, और अगर इम्पोर्ट नहीं हो पाएंगे तो फिर इंडस्ट्री बंद रहेगी। गंभीरता के साथ इस पर प्रदेश सरकार अपना विचार भी करी और अगर हमें केंद्र से बात भी करनी पड़ी रिलैक्सेशन की तो मैं पर्सनली जाके कर सर। जो भी घटना विवाद के अंदर हुई उसके अंदर एक व्यक्ति पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, 3 और गिरफ्तार कर लिए गए हैं और प्रदेश में कहीं भी कोई घटनाक्रम हुआ है तो क्रिमिनल्स को बख्शा नहीं गया है, सरकार ने तुरंत पकड़ा है। मगर एज सोसाइटी हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम मिलकर जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विजिलेंसी है, उसको भी निभाने का काम करें। बहुत से ऐसे केसेस तो नॉन रिपोर्टिंग के कारण ट्रेस नहीं होते, जहाँ व्यक्ति जो क्राइम को होते हुए देखता है वो प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर पाते। अब तो डायल 112 प्रदेश सरकार ने लागू किया है जिसके अंदर राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।